क्या मिलेगा कुछ भी। सेफेस्ट जिम इन टाउन ब्रिंग्स टू यू फिटनेस की होम डिलीवरी। अब घर बैठे बुलाएं आपकी सर्टिफाइड फिटनेस एक्सपर्ट जो बस आपसे कुछ क्लिक्स ही दूर हैं। डाउनलोड करें एंटी मैटर फिट ऐप, चूज योर सर्विस, चूज योर टाइम एंड चूज योर लोकेशन। सेशन स्टार्ट एट जस्ट ₹99। आज अजमेर शहर व्यापार महासंघ ने एक प्रेस विज्ञप्ति की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग की है कि आने वाली 20 तारीख पहले पहले जो प्रशासन द्वारा हमें समय दिया गया व्यापार का, उसमें परिवर्तन करने के लिए आज एक मीटिंग आयोजित की है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि आने वाली 20 तारीख पहले पहले पूरे 13 जिलों में जहां कर्फ्यू नाइट कर्फ्यू का लागू कर रखी है उसकी घोषणा करें, ख़त्म करने की घोषणा करें। और सरकार से हम ये भी आग्रह करते हैं जब जब सरकार ने जो गाइडलाइन दी है, जो जो एडवाइजरी आई है, उसका पूर्ण रूप से हमने पालन किया है। अब व्यापार को आर्थिक दृष्टि से देखते हुए, शादियों के सीजन को देखते हुए और कमजोर वर्ग को देखते हुए, हमारे होटल रेस्टोरेंट कर्मचारी खोमचे वाले सबको देखते हुए सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि आने वाली 20 जनवरी से पहले पहले हमें भी निजात दिलाई जाए। जिस प्रकार सरकार ने स्कूल खोलने का प्रावधान किया है 18 तारीख से, जिस प्रकार सरकार ने पंचायती राज चुनाव कराए थे, जिस प्रकार सरकार अभी नगर निगम नगर पालिकाओं के चुनाव करा रही है, तो ऐसे व्यापार के समय को बढ़ाने में कोरोना काल का प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और इस कोरोना काल का प्रभाव लगभग खत्म सा हो चुका है, सरकार ने एक अच्छा सा काम किया है और ये कोरोना काल का जो प्रभाव है खत्म हो चुका है। और भारत सरकार के द्वारा जो वैक्सीन का जो प्रोजेक्ट आ चुका है, तो हम आपसे आग्रह करते हैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से, कि आने वाली 20 जनवरी पहले पहले हमारे 13 जिलों को इस कर्फ्यू से निजात दिलाई जाए और व्यापारी को व्यापार करने में सुचारू रूप से भूमिका निभाने का, नहीं करे तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार करने का, हमारे संगठन ने चुनाव का बहिष्कार करने का हमने विचार किया है। और आने वाले समय में अगर सरकार ने फिर भी नहीं माना तो हम इसका आंदोलन का रूप देंगे। पूरे प्रदेश की हमने कार्यकारिणियों से आज चर्चा की है कि इस तरीके से व्यापार को खत्म करना, इस शहर को, इस प्रदेश को आर्थिक रूप से कमजोर करना, ये सरकार के हित में नहीं है। सरकार व्यापारियों से जुड़ी हुई है, प्रशासन से जुड़ी हुई है, राजस्व से जुड़ी हुई सरकार है। प्रवीण जैन, और जिस प्रकार नहीं ऐसा ठीक है, 7 का 8 बजे दिया, लेकिन हम चाहते हैं सभी व्यापार को खुला छोड़े, होटल रेस्टोरेंट व्यापार जो है खुला छोड़े, और व्यापारी आपके साथ है और आपकी जो भी एडवाइजरी आएगी उसमें हम सहयोग देंगे। ऐसा नहीं है कि केवल 7 से 8 बंद करने से दुकानें में कोरोना काल कम हो रहा है। हम आपसे आग्रह करते हैं, आपके माध्यम से आग्रह कर रहे हैं कि सरकार पे हमारी न्यूज जाए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ पहुँचे कि इस सरकार का एक अल्टीमेटम नहीं कह के व्यवहारिक रूप से व्यापारी बात करना चाह रहा है और इस सरकार इस झगड़े को खत्म करना चाह रही है। देखिए, व्यापार महासंघ गैर राजनीतिक संस्था है और हमारा व्यापार महासंघ का हमेशा एक उद्देश्य रहा है कि हमारा व्यापारी, चाहे बड़ा व्यापारी हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे छोटे थैला खुमचे वाला व्यापारी हो, सबको रोजगार मिले और हमारे द्वारा ही राज्य सरकार को राजस्व की आमदनी होगी और राजस्व की आमदनी होगी तो राजस्थान का विकास हो पाएगा। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि जब कोरोना काल था तो हमने पूरा सहयोग किया, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान सरकार द्वारा कुशल नेतृत्व के चलते हमारे कोरोना पे हमने लगाम पाई है और व्यापारियों को सहयोग रहा है। तो ऐसे में जब आज कल से वैक्सीन भी लगना शुरू हो गया और भगवान की दया से हमारे यहाँ पे केस भी कम हो गए, तो व्यापार को क्यों बंद कर रखा है? तो हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं इस व्यापार को 9 बजे तक खोला जाए ताकि गरीब अमीर जो भी व्यवसायी है, चाहे ठेला खुमचे व्यवसायी, सब अपना रोजगार कर सके। नहीं तो फिर व्यापार महासंघ अपना अपने निर्णय खुद लेगा, चाहे कोई सरकार हो, व्यापारी महासंघ हमेशा जनता के साथ और व्यापारियों के साथ रहा है। कमल गंगवाल, अजमेर शहर व्यापार महासंघ प्रवक्ता।